हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते हैं, 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग SA T20, जो कि पिछले साल शुरू हुआ यह टूर्नामेंट इस बार सेशन 2 खेला जा रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 18वें मैच की, जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में। अगर रिसेंटली बात करें तो इन दोनों के बीच में 22 जनवरी को मैच हुआ था, जिसमें सनराइजर्स मैच जीत के आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं, यह मैच 25 जनवरी को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% रहेगा, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 100% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 0% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 2 मैच जीत के आए हैं, वहीं प्रिटोरिया कैपिटल्स भी 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और हमारा टेलीग्राम लिंक भी दिया है, आप हमें ज्वाइन एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक करते हुए टीम ने 5 मैच खेले, जिसमें से 3 मैच जीत कर एक टीम हार के आ रही है। वहीं टीम पॉइंट टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है, जहाँ पे पिछले साल ये डिफेंडिंग चैंपियन भी है। टीम के कैप्टन जहाँ पे एडन मक्राम, जो अभी फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर ओपनिंग में बात करूँ तो डेविन मालन एंड जॉर्डन हार्मन, नंबर 3 पे है टॉम ओबेल, जो टीम का स्ट्राइक रोटेट करते हैं। फिनिशिंग के लिए बात करें तो स्टार प्लेयर ट्रिस्टन स्टब है। वहीं लास्ट मैच में टीम ने जबरदस्त बॉलिंग की और कैपिटल्स को 52 रन को ऑल आउट कर दिया था। और थिनल बाटमैन, जो सबसे ज्यादा 4 विकेट निकाले थे। बॉल के साथ मार्को जॉनसन सनराइजर्स के ट्रम्प कार्ड है, डेनियल वॉरन ने भी 3 विकेट लिए थे। साइमन हार्वन अपनी ऑफ स्पिन से अटैक करेंगे, लैम डॉसन इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एडम मक्राम जो कि कप्तान है, जॉर्डन हार्मन, डेविड मलन, ट्रिस्टन स्टब्स है, टॉम अवेल, पैट्रिक क्रूगर, लैम डॉसन, मार्को जॉनसन, साइमन हार्मन, ऑथिनियल बाटमैन और डेनियल वॉरेल। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एडम मक्राम है, ट्रिस्टन स्टब्स है, मार्को जॉनसन है। अब बात करते हैं दूसरी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत खराब हुई, क्योंकि टीम टूर्नामेंट की सबसे लो टीम है। टीम 5 मैच खेलकर बस एक ही मैच जीत गया है, टीम 12 नंबर नीचे पे स्टेबल है। वहीं लास्ट गेम में बात करें तो टीम को जहां पर सनराइजर ने बुरी तरह से हरा दिया और यहां पे टीम के पास मौका बदला लेने का, तो जहीं पे वर्नी पैरनल, जो टीम के कप्तान जो कि एक बॉलर भी है, लास्ट गेम में टीम की बैटिंग फ्लॉप थी, टीम ने 52 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी। वहीं ओपनिंग में जहां पे फिलिप सॉल्ट एंड विल जैक की जोड़ी है, नंबर 3 पे काइल वर्नी है। वहीं मिडिल ऑर्डर में बात करें तो रिली रोसो एंड कॉलिन इनग्राम जो टीम को बैलेंस देंगे, लेकिन दोनों भी अभी फॉर्म में नहीं चल रहे। जिमी निशन टीम का ऑलराउंडर है, वहीं बॉलिंग टीम की थोड़ा सा वीक देख रहा है, टीम में एक्सपीरियंस बॉलर की कमी है। वहीं विल जैक टीम के लीडिंग विकेट टेकर है। स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे इंग्लैंड के आदिल रसेल जो टीम को लीड करेंगे, हार्दस विजोन जो इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है, काइल मोरनी है, रिली रोसो, कॉलिन इनग्राम, निशम है, कॉर्सिन बोचर्स है, इथन बोचर्स है, हार्डस विजियन है, आर्विल राशिद, वर्नी पर्नल है। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे विल जैक है, कॉलिन इनग्राम है, जिमी निशन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली। अब अगर बढ़ते हैं चलते विनर के अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर प्रिटोरिया कैपिटल हो सकता है। प्रिटोरिया कैपिटल इसलिए होगा कि प्रिटोरिया कैपिटल पिछले मैच की बात करते तो बुरी तरह ऑल आउट होकर आ गई है, तो इस समय नेक्स्ट मैच में, आज के मैच में यहाँ पे प्रिटोरिया कैपिटल बदला लेना चाहेगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।